फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट? कस्टमर और क्लाइंट के बीच क्या फर्क होता है? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लोथिंग। क्लोथिंग यानी कि पहनाव, ये कपड़ों से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स कपड़ों से रिलेटेड पूछेंगे और उनके जवाब देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, What is your favorite item of clothing? आपका सबसे पसंदीदा पहनाव क्या है? My favorite one is jeans and t-shirt. I always prefer it. मेरा फेवरेट है जीन्स और टी शर्ट, ये मेरी पहली पसंद है। Do you always wear jeans and t-shirt? क्या आप हमेशा जीन्स एंड टी शर्ट पहनते हो? No. Not always, नहीं, हमेशा नहीं। For parties and occasions, I wear formals. Parties और कोई खास मौकों पे मैं formals पहनता हूं। Do you wear expensive clothes? क्या आप महंगे कपड़े पहनते हो? Yes. I guess, हाँ मुझे लगता है। I always go for branded one, मैं हमेशा branded कपड़े पहनता हूँ। How has your fashion style changed recently? हाल ही में आपका fashion style कैसे बदली हुआ है? I always wore formal shirts and trousers before. पहले मैं फॉर्मल शर्ट्स और ट्राउजर पहनता था। आई चेंज इनटू कैजुअल्स लाइक जीन्स एंड टी शर्ट, लेकिन अब मैंने बदल दिया है, अब मैं जीन्स और टी शर्ट पहनता हूं। हैव यू सीन एनीबडी वेयरिंग अनयूजुअल क्लोथ्स? क्या तुमने किसी को देखा है जो ढंग के कपड़े ना पहनता हो? यस I have, हाँ देखा है, but I don't think any fashion style is weird. मुझे नहीं लगता है कि कोई भी fashion style बेकार होती है। I believe everybody has their own taste of fashion. मुझे लगता है हर एक का अपना अपना taste होता है fashion का। Have you ever participated इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन? क्या आपने कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया है? यस, हाँ, बट दैट इज फॉर फन, वो तो मजा के लिए है। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर ड्रेसिंग सेंस, उसका आपके कपड़ों के चॉइस से कोई लेना देना नहीं है। डू यू थिंक शॉर्ट क्लोथ्स आर द रीजन फॉर सोशल क्राइम? क्या तुम्हें लगता है कि छोटे कपड़े की वजह से सारे गुनाह हो रहे हैं समाज में? No, not at all. बिल्कुल नहीं। It all depends on the mentality of the person. ये इंसान की मानसिकता पर डिपेंड करता है। Crime happens even with those who are clad in complete clothes. गुनाह उनके साथ भी होता है जो लोग की जिनका की पूरा तन ढका हुआ होता है। Do clothes help to build your पर्सनल ब्रांड? क्या कपड़ों से आपकी इमेज बनती है? यस,
I agree with it. हाँ मैं मानता हूँ. I believe that what you wear also play an important role in saying who you are. कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है और वो बताता है कि ये आदमी किस तरीके का है. तो कपड़ों से आदमी की इमेज बनती है. दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा था कस्टमर और क्लाइंट में क्या फर्क होता है. तो कस्टमर, एक कस्टमर इज ए पर्सन हु पेज फॉर द गुड्स, जो किसी भी वस्तु के लिए पैसे देता है. ही पेज मनी एंड बाइज और टेक्स थिंग्स इन रिटर्न. वो पैसे देता है और सामान लेके जाता है. क्लाइंट, ए क्लाइंट इज ए पर्सन हु पेज फीस. क्लाइंट उसे कहते हैं जो फीस देता है. द क्लाइंट गेट सर्विस फॉर हिज फीस. उसके बदले में उसको सर्विस मिलती है. जैसे कि हम लॉयर को फीस देते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, सीए को देते हैं, किसी काउंसलर को फीस देते हैं, तो हम उसके क्लाइंट होते हैं. वी आर देयर क्लाइंट्स. दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो जाए. थैंक यू फ्रेंड्स. कीप लर्निंग. Have a nice day.